प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सदन में आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी की, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आपके भाषा के स्तर को मैं भलीभांति जानता हूं। मुझे दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि इस देश ने कैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर चुन लिया, जिसे संसद और सड़क के बीच का अंतर ही नहीं पता। गली का कोई मवाली कोई सज्जन व्यक्ति को जब गाली देता है तो वो सज्जन उसे पलटकर जवाब नहीं देता। ठीक वही काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपको उत्तर न देकर किया, मगर सच कहूं मुझसे रहा नहीं गया। जासूसी तक ठीक था, लेकिन लोगों के बाथरूम में झांकना, यह तो मनोविकृति है। आपने कहा कि रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने की कला कोई डॉक्टर साहब से ही सीखे। साहब, बाथरूम की छोड़िए, आरएसएस की चड्डी और लंगोट पहनकर आधी जिंदगी सड़क पर आपने गुजार दी, और उसके बाद भी गोधरा के नौसंहार के या फर्जी एनकाउंटर के या भ्रष्टाचार के किसी भी तरह के छींटे आपके अंधे नंगे बदन पर आपने नहीं पड़ने दिए। आप तो सबसे बड़े कलाकार हो साहब, पतंजलि का छाता ओढ़कर नहाते हो क्या? साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि डीडीसीए घोटाले में फंसे जेटली जी, व्यापम में फंसे शिवराज जी, ललित कांड वाली वसुंधरा, चिकी चटक जन्म वाली पंकजा, चावल निकल जाने वाले रमन सिंह इत्यादि कौन सी स्नान पद्धति से अभी तक बेदाग है? आपकी सोच शौचालय तक सीमित थी, ये तो सब जानते थे, मगर आप मुंह से भी शाब्दिक शौच क्रिया कर सकते हैं, ये देश ने पहली बार देखा। आपने सही कहा, आप कुत्तों की परंपरा में पले बड़े नहीं हो, क्योंकि कुत्तों की प्रकृति में सिर्फ भौंकना नहीं होता, वफादारी भी होती है। गुजरात की सत्ता पाने के लिए केशुभाई पटेल और दिल्ली की गादी के लिए अडवाणी जी का राजकीय एनकाउंटर करने वाली आपकी मानसिकता कुत्तों की परंपरा से मेल नहीं खाती। इसके पूर्व भी आपने सोनिया जी की बीमारी का, कुपोषित महिलाओं का, नोटबंदी की कतार में खड़े नागरिकों का, अरे यहां तक कि कुदरती विपदाओं का भी मजाक उड़ाया है। हो सकता है ये आपकी प्रकृति हो, हो सकता है आपने मानसिक संतुलन खो दिया हो, जो भी हो समझ जाइएगा, सठम प्रति साठम के तौर पर अगर हम आपको जवाब देने लग गए तो आपकी वैचारिक नग्नता बीच सड़क पर लाज बचाती इधर उधर भागती नजर आएगी। आपका हितेशी, गुजरात अहमदाबाद से राजेश ठाकर।